नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज टारगेट JRF में। हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे हमारे कुछ बेहद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बढ़ाते हैं एक और कदम JRF की तरफ। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट बायोम्स दिए हुए हैं और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इनको लगाना है एक सीक्वेंस में। चार टाइप के हमें बायोम्स दिए हुए हैं, चार टाइप के सवानाज, बोरियल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है, आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। इस टेबल पे मैंने डिफरेंट आपके बायोम्स और उनकी प्रोडक्टिविटी दी हुई है। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन की बात करें, वन टू थ्री फोर जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इन चारों में से किसी की सीक्वेंस सही नहीं है। अगर हम बात करें सबसे पहले टेम्परेट फॉरेस्ट की, तो टेम्परेट फॉरेस्ट को आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टेम्परेट डेसीडुअस फॉरेस्ट और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसीडुअस फॉरेस्ट की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है दोस्तों, वो होती है 8.4 × 10⁻⁹ टन पर ईयर, और एवरग्रीन फॉरेस्ट की होती है 6.5 × 10⁻⁹ टन पर ईयर। तो अगर हम दोनों की प्रोडक्टिविटी को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 14.9 टन आपका पर ईयर इसकी प्रोडक्टिविटी होगी टेम्परेट फॉरेस्ट की। तो चलो ठीक है, सबसे ज़्यादा हुई हमारे ऑप्शन नंबर सी की। इसके बाद में इस टेबल में देखो आप, सवानाज की प्रोडक्टिविटी है 13.5 × 10⁹ टन, तो सी के बाद में आएगा ए। इसके बाद में आता है आपका बोरियल फॉरेस्ट, 9.6 × 10⁹ टन पर ईयर। तो बट इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो है 5.4 × 10⁹ टन पर ईयर। तो ये आपका सही ऑप्शन हो सकता था अगर बी पहले आता डी से, बट अभी के उसमें चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। ये टेबल आपने ऐसे ही याद कर लेनी है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार इस पर आपको क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। इसके साथ साथ में आपने ये भी याद कर लेना है, इसमें आपकी हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी है और सबसे लोएस्ट किसकी है। सभी जितने भी टाइप के आपके टेरिस्टेरियल और फ्रेश वाटर सिस्टम हैं, सभी की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसमें दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो आपकी सबसे ज़्यादा होती है, और आपके एक्सट्रीमी डेजर्ट रॉक सैंड आइस, इसकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है होती है वो सबसे कम होती है। तो आपने एक सीक्वेंस, एक टेबल बना लेना है, सभी उसमें आपने एक सीक्वेंस बना लेना। आप इन्होंने तो बार के उससे हमें बता दिया है कि जिसका जितना बड़ा बार है उसकी उतनी बड़ी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में आपके आएंगे सवानाज, इस टाइप से। बट आप एक सीक्वेंस में इसको बनाना कि सबसे ज़्यादा से लेके सबसे कम, एक सीरीज बनाना पूरी और उसके सामने उनकी आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिख देना, उससे आपको आसानी से याद करने में हेल्प होगी। अगला क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजन पे बेस्ड है। असर्शन दिया हुआ है, इन द हिमालयन नॉर्थ फेसिंग स्लोप हैव लग्जरेंट ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट, वेयर एज स्क्रूबी ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशंस इनहिबिट द साउथ फेसिंग स्लोप। और इसका रीजन दिया हुआ है, साउथ फेसिंग स्लोप इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर सनलाइट देन नियर बाई नॉर्थ फेसिंग स्लोप एंड देयर फॉर द आर वार्मर एंड ड्राइड। तो ये जो आपका असर्शन दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है, और उसका जो रीज़न दिया हुआ है ये भी सही है। तो आपका
बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लेना है, बिकॉज मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि गिने चुने ही क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करके हमें क्वेश्चन बनते हैं। दोनों स्टेटमेंट आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ये हो सकता है इन पे आपको अलग टाइप का कोई क्वेश्चन बना के नेटा दे दे। अगला क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग डाटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज मोस्ट सुटेबल फॉर अर्बन इकोलॉजिकल स्टडीज। तो कैट्रोसैट टू इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पे हमारे दो सैटेलाइट हैं, कैट्रोसैट और एक रिसोर्ट सेट। तो जो आपका कैट्रोसैट टू है वो बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है वो अर्बन और रूरल एरिया में लैंड यूज के लिए किया जाता है बेसिकली। तो इसके जो मेन एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पे हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। कोस्टल लैंड यूज एंड रेगुलेशन, यूटिलिटी मैनेजमेंट लाइक रोड नेटवर्क मॉनिटरिंग, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका क्रिएशन ऑफ लैंड यूज मैप, और आपके बेसिकली आपके जितने भी लैंड यूज से रिलेटेड आपकी एप्लीकेशंस हैं उसके लिए कैट्रोसैट टू यूज किया जाता है। वहीं पे रिसोर्स सेट टू जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द लैंड वाटर बॉडी फॉरेस्ट और आपके लैंड फॉर्म कोस्टल इंफॉर्मेशन मिनरल डिपॉजिट, इन सभी के लिए अब हम कौन सा सैटेलाइट यूज़ करते हैं रिसोर्स सेट टू। तो बेसिकली आपके हर एक सैटेलाइट का अलग एप्लीकेशन है, बट मैक्सिमम जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं और जो पैटर्न है क्वेश्चन आने का उसमें रिसोर्स सेट टू और आपका कैट्रोसैट टू इन दोनों सैटेलाइट पे मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, बिकॉज़ ये हमारे इकोलॉजी से और लैंड मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। बाकी कम्युनिकेशन एंड ऑल भी बहुत सारे आपके सैटेलाइट हैं, बट ज़्यादा एम्फेसिस जो रहता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो आपका कैट्रोसैट और रिसोर्स सेट इन दोनों सैटेलाइट पे रहता है, बिकॉज इन्हीं का सबसे ज़्यादा यूज़ है आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, लैंड यूज़ मैनेजमेंट में, और आपके वाटर बॉडीज़ देखना और ये फॉरेस्ट के बारे में सभी ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो बेसिकली आपको इन्हीं दो सैटेलाइट से मिलती है, इसीलिए इन्हीं दो सैटेलाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ मिनरल डिपेंड्स ऑन केमिकल कंपोजिशन एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशंस। मिनरल्स की जो हार्डनेस होती है वो डिपेंड करती है उसके केमिकल कंपोजिशन पे और एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले तो ये आपने यही लाइन को बिल्कुल ऐसे ही याद कर लेना है, हार्डनेस ऑफ मिनरल्स डिपेंड्स ऑन केमिकल कंपोजिशन एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद करनी है जिस पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि किस उसमें स्केल पे हम हार्डनेस को मेज़र करते हैं। तो मोहो स्केल जो है उस पे हम हार्डनेस को मेज़र करते हैं, और इसमें सबसे जो लोवेस्ट नंबर है ये आपके सॉफ्ट मिनरल को बताता है, और जो हाईएस्ट नंबर है ये आपके हार्डेस्ट मिनरल को बताता है। तो आपने ये जो 10 नंबर दिए हुए हैं और इनके साथ में जो मिनरल दिए हुए हैं इनको याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि हार्डनेस को किस स्केल पे मेज़र करते हैं और उसका हाईएस्ट यूनिट जो है वो जो उस मेज़रमेंट का जो सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है, 1 to 10, 10 to 100, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो निकल के आते हैं, और लगभग हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो इसके स्केल पे हमें मिलता है अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे। और ये सारे मिनरल्स भी आपने याद कर लेने हैं इनके मोह स्केल नंबर के साथ साथ में कि किसका कितना होता है।
और ये तो मैंने बता ही दिया कि डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट मिनरल है और इसका महो स्केल पे जो यूनिट होता है वो है 10। तो ये आपने एज सच इसको लिख के याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, इन ए पॉपुलेशन वेयर द एलील फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड बाय ए रैंडम चांस, द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एट वर्क इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन दी हुई है बिल्कुल एट सच किसी बुक से उठा के। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इन विच एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन चेंज ओवर जनरेशन ड्यू टू चांस। तो सेम डेफिनेशन इन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट की यहाँ पे दी है। जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली होता क्या है, जो आपके मान लो कोई पॉपुलेशन है, कोई स्पीशीज़ है, उसके एलील की फ्रीक्वेंसी में अचानक से चेंज आ जाते हैं। ठीक है, कुछ एलील ऐसे होते हैं जो गायब हो जाते हैं, जिनका लॉस हो जाता है, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि वो एलील बेनिफिशियल हों बट वो उनका लॉस हो जाता है और उनकी जगह पे नए कुछ एलील्स आ जाते हैं। इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाय चांस का से को इन्होंने जो बोला है रैंडम चांस, इसका क्या मतलब है? इसको समझाने के लिए ज़्यादातर इकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं बॉटल नेक थ्योरी। बॉटल नेक थ्योरी, मान लो कि कोई आपका बॉटल है और इस बोतल में बहुत सारे आपके जीन्स भरे हुए हैं, एलील्स भरे हुए हैं। तो अगर आप इस बोतल को टिल्ट कर देते हो ये आपके इसमें जीन्स भरे हुए, टिल्ट करने पे कुछ जीन्स, कुछ एलील्स आपके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन से एलील्स बाहर आएंगे ये एक रैंडम चांस है, हमें नहीं पता। इस पूरी बोतल में हमारे एलील्स भरे हैं, जीन्स भरे हैं, बट जैसे हमने इसको टिल्ट किया और टिल्ट करने के बाद में इसमें से कौन से जीन्स, कौन से एलील्स जो हैं वो बाहर आएंगे वो एक रैंडम चांस है। ठीक है, वो एक रैंडम चांस है, हमें नहीं पता कौन से जो हैं वो बाहर आएंगे, बिकॉज इस नेक पे बाकी सारे रुक जाएंगे, केवल कुछ ही इसमें से बाहर निकल के आएंगे। तो ये है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली आपका जब पॉपुलेशन किसी डिजास्टर की वजह से या किसी वजह से एक पॉपुलेशन अपनी पेरेंट पॉपुलेशन से अलग हो जाती है तो उस टाइम पे इसका मेजर इफेक्ट आता है आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट का। जब एक आपके पेरेंट पॉपुलेशन से एक पार्ट निकल के दूसरी जगह चला जाता है, आप किसी भी वजह से, आपके नेचुरल डिजास्टर की वजह से या हैबिटेट आइसोलेशन की वजह से, किसी भी वजह से, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट उस टाइम पे आपका ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मेजर इफेक्ट्स का तभी आता है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए मैंने आपको ये बोतल नेक वाला जो बताया है, इससे शायद आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट पे तो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। यहीं पे को इवोल्यूशन क्या होता है? को इवोल्यूशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज में चेंजेज आते हैं, उनके जेनेटिक चेंज आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर। यानी कि एक स्पीशीज़ जो है वो दूसरी स्पीशीज़ के जेनेटिक मटेरियल में चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों के मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल में चेंज साथ साथ हो रहे हैं, इसको बोलते हैं को इवोल्यूशन। मान लो कि पहले जो वो आपके प्रीडेटर हुआ करते थे और प्रे हुआ करते थे, उनका जेनेटिक मटेरियल और था। जैसे जैसे आपके प्रीडेटर ने प्रे ने अब बचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस किए, वैसे वैसे प्रीडेटर भी जो हैं उन्होंने अपने आप में चेंज किया जिससे कि वो ज़्यादा शिकार कर सके। तो क्या हो रहा है, दोनों के जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो रहे हैं, दोनों का इवोल्यूशन साथ साथ हो रहा है। प्रे हमेशा ये सोचता है कि कैसे वो चेंज करके अपने आप को बचाए और प्रीडेटर
क्या सोचता है कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिकार को पकड़ सके कर सके। इसीलिए दोनों जो हैं वो एक साथ साथ इवोल्व हो रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हर्बीवोर्स प्लांट, आपके पोलिनेटर प्लांट, ये सभी लोग क्या हैं, एक साथ इवोल्व हो रहे हैं। दोनों का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे इतना ज़्यादा है कि उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ रहे हैं। वहीं पे हम बात करें म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन की डेफिनेशन सभी लोगों ने पढ़ी ही होगी, सडन चेंज आ जाते हैं हमारे डीएनए के, ठीक है, डीएनए में, जीन में, और आपके इवन न्यूक्लियोटाइड्स जो लगे होते हैं उनकी सिक्वेंस में भी अगर चेंजेस आ जाते हैं तो बहुत बड़ा आपका फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं। पहले जीनोटाइप में चेंज आते हैं, उसके बाद में फिनोटाइपिक चेंजेस हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। तो एक ऐसा ऑल्ट्रेशन आपके डीएनए में जो अचानक से हो जाता है और आपके जीनोटाइप और फिनोटाइप को चेंज कर देता है, उसको आप क्या कहेंगे, म्यूटेशन। वहीं पे हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो नेचुरल सिलेक्शन सबसे आसान सी डेफिनेशन है कि जो फिट है वो ही जिएगा, ठीक है। नेचर क्या कर रही है, वो सिलेक्ट कर रही है, ठीक, जिसका जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा अच्छा है, जो वही मतलब कि सर्वाइव कर पाएंगे। जो और जेनेटिक मटेरियल अच्छा कैसे होता जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आपके स्ट्रगल की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से। जैसे मान लो कहीं पे एक किसी पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल हैं, 100 इंडिविजुअल में से कुछ ऐसे हैं जो बदलते हुए क्लाइमेटिक कंडीशन में जिंदा रह पाए, बाकी उसमें से निकल गए, मर गए, और जो बचे हैं केवल वही फर्दर रिप्रोडक्शन करेंगे, और उसके बाद में फिर कुछ चेंजेस आया, फिर कुछ ऐसा डिजास्टर आया, ऐसा कर करके जो फिट रहेगा, जो फिट है वही जिंदा रहेगा। ये क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जितनी टर्म्स मैंने यहाँ पे बताई हैं, इन पे दोस्तों अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट पे, ठीक है, इवोल्यूशन पे, स्पीशिएशन पे। ये दो तीन चीज़ें हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बेसिक डेफिनेशन आपको उनके बारे में पता होनी चाहिए, जैसे स्पीशिएशन है कि उसमें कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो काम करते हैं, और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन ही ज़्यादातर आपको आई हैं, तो यहाँ पे मैंने जितनी डेफिनेशन दी हैं ये सभी स्टैंडर्ड बुक से हैं। तो आई थिंक अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इन्हीं पे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द म्यूटेशन, व्हाट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन, कोइवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। आफ्टर दैट यू हैव टू नो अबाउट द एक्यूरेट डेफिनेशन अबाउट इट, कि एक हमें पर्टिकुलर बुकिश डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, बिकॉज जो हमें क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के वो बुकिश डेफिनेशन पे ज़्यादा आते हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ में जब आपको एक्यूरेट डेफिनेशन पता होगी तो कोई चांस ही नहीं बनता कि हम गलत आंसर पे टिक लगाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जितने हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको सोल्यूशन दूँ। दोस्तों, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।